बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगी गोली, स्थिति काफी नाजुक बताया जा रहा है, आईसीयू में कराया गया है भर्ती। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की तरफ से दिल दहला देने वाली एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि फिल्म स्टार गोविंदा को लग गई है गोली, और किस वजह से लगी है जिसको लेकर अब मीडिया में काफी बड़ी बड़ी बातें आ रही है। आखिर किस वजह से गोविंदा को गोली लगी और गोविंदा अस्पताल में जो भर्ती है तो आईसीयू में क्यों ही रखा गया उन्हें, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले में बचने की चांस जो कि 10% ही है। लेकिन फिलहाल गोविंदा जो कि अस्पताल में भर्ती है और गोविंदा को कैसे लगी है गोली, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल आपको बता दूं कि गोविंदा जो कि घर में बंदूक लेकर साफ कर रहे थे और उसी बीच उस बंदूक से कुछ ऐसी गोली निकली है जो सीधे गोविंदा के टांगों के बीच जाकर लगी, और जिस वजह से गोविंदा की हालत काफी गंभीर हो गया है और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि इन्हें आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा, और फिलहाल गोविंदा को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और गोविंदा का स्थिति काफी नाजुक बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि इनका ट्रीटमेंट बहुत जल्द कराया जाएगा, अगर ये यहाँ ठीक नहीं होते हैं तो इन्हें किसी दूसरे अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल गोविंदा की जो बीवी है वो मुंबई में नहीं थी और वो फ्लाइट से जो कि आ रही है, और बताया जा रहा है कि गोविंदा के साथ जो भी कुछ हुआ इसको देख कर उनके फैंस और उनके परिवार वालों पर काफी स्थिति गुजर रही है, और बताया जा रहा है कि इस मामले में डॉक्टर काफी जोर लगा रहे हैं और काफी हेल्प भी कर रहे हैं कि गोविंदा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरह से आईसीयू में भर्ती है और मीडिया रिपोर्ट्स का नया नया अपडेट जैसे सामने आता जा रहा है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि गोविंदा की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आती है गोविंदा की तरफ से, मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर जरूर दूंगा। धन्यवाद।